जब तक अंतिम रिजल्ट नहीं आता तब तक बोलना उचित नहीं होगा, परंतु जिस तरह से रुझान चल रही है, खुशी है कि महागठबंधन खासतौर से नीतीश जी के नेतृत्व में एक देश के सामने एक उदाहरण आ गया है कि मोदी जी का विकास का जो मॉडल है, जिसमें जो कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचाने की जो पूरी तरह से नियत है, वो जनता ने नकारा है। परंतु फिर से हम कहेंगे कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, सुबह के ट्रेंड को देखते हुए काफी तनाव हो रही थी, लेकिन अब जरूर दिल काफी हद तक संभल गया है और इंतजार है कि फाइनल रिजल्ट का, खुशखबरी का। जो सोच कांग्रेस पार्टी की थी और इस देश की जो सोच रही है, उस सोच की जीत हो रही है। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, परंतु जो कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने जिस चीज की बात स्पष्ट तौर से कही है कि इस देश की सोच है सबको साथ ले चलना और ये देश सबका है, उस सोच की आज विजय होते हुए दिखाई दे रही है बिहार में। और धर्म का जितना उन्माद भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भरने की कोशिश की, बिहार की जनता ने उसको नकारा है। तो मैं समझ सकता हूं अगर सचमुच किसी की जीत हुई है तो बिहार की जनता की जीत हुई। हम 180 क्रॉस करेंगे, अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से 160 के ऊपर हमारी बढ़त बन गई है। पूरे नतीजे आते आते हम 180 का आंकड़ा भी क्रॉस करेंगे और ये नीतीश कुमार के नेतृत्व की जीत है। बिहार की जनता ने आस्था दिखाई है और नरेंद्र मोदी को यहां से टेक ऑफ करवाया बिहार से। नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता के लिए जो ढोल पीटा जा रहा था, मैंने ये भी कहा था कि उनकी भी साख पर बिहार में परीक्षा होगी और अमित शाह को जो बड़ा संगठन करता कहा गया था, उनकी भी संगठन की क्षमता बिहार में दिखाई पड़ेगी। ये बातें सत्य हुई है और अब महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार की जनता इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतनी कामयाब सफलता और देश में जिस ढंग की शासन व्यवस्था चल रही है उसके ऊपर इस ढंग का उन लोगों ने प्रतिक्रिया। वोट किसको पड़ा है? देखिए, वोट काम को पड़ा है, वोट महागठबंधन को पड़ा है, वोट नीतीश कुमार और लालू यादव के नेतृत्व को पड़ा।